Okay. Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's been a long time since I vlogged. मेरे को याद नहीं है last शायद 3 महीने पहले करा होगा. ऐसे time waste नहीं कर रहा था मैं, बहुत सारे काम थे. As you guys know that I'm a student. मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैनहट्टन में रहता हूँ, एक स्टूडेंट की लाइफ जीता हूँ. तो बहुत सारे काम थे, वो सब कर रहा था. आज एकदम से मेरा मन हुआ कि कैमरा उठा के व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे आई जस्ट स्टार्टेड. तो अपडेट देना चाहूँगा, लास्ट जब मैंने व्लॉग करा था तब से अब तक मैंने बहुत सारे वेट लॉस कर लिया है, और मैं बहुत जंक खाता हूँ. मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं करी. मैं थोड़ा अपनी लाइफ आज से एक्चुअली डिसिप्लिन लाना चाहता हूँ. जिम ज्वाइन करा था मैंने 2 हफ्ते पहले, और हार्डली हफ्ते में 2 दिन गया हूँ दोनों हफ्ते में. अब आज से रेगुलरली जाऊंगा और अच्छा खाना खाऊंगा, ये प्लान है. बाकी आज क्लासेस वगैरह हैं. तो एक तो सायरन की आवाज़ पूरे टाइम आती रहती है यहाँ पे. बट एनीवेज, तो मैं लेके चलूंगा अपने साथ और दिखाऊंगा अपना दिन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी मेरी ऑनलाइन क्लास चालू है तो मैं वो अटेंड करता हूँ, थोड़ा ध्यान देता हूँ वहाँ पे, और फिर मिलता हूँ. बाल कैसे लग रहे हैं? So this is like my all-time favorite breakfast. I had some tofu, cheese, onions, और यहाँ पे मेरे पास कुछ sauces हैं जो मैं इसके ऊपर add करूँगा. People said I've never rocked my 90s frosted tips. We got pictures. You're an original, son. तो guys, finally घर से मैं निकल चुका हूँ. अभी सबसे पहले मैं जाऊँगा जिम. अभी बज रहे हैं 3:30, और इसके बाद 6 बजे मेरी क्लास है. 6 to 10, 4 घंटे की क्लास है. तो उससे पहले मैंने सोचा बढ़िया सा वर्कआउट करते हैं और फिर क्लास के लिए जाते हैं. तो अभी मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा एंड देन हाँ फिर वहाँ पे पहुँच जाऊँगा. और क्या बताऊँ, मैं लगता है ब्लॉक करना भूल गया. हाँ सब से बाहर आ चुका हूँ मैं, अपने जिम के पास पहुँच गया हूँ. मेरा जिम जो है वो मेरे कॉलेज के पास है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं डायरेक्टली रेडी होकर कॉलेज जा सकता हूँ और अपनी क्लास अटेंड कर सकता हूँ. जिम डन गाइज, फाइनली वर्कआउट मेरा हो गया ख़त्म. मैं मंडे और ट्यूजडे बहुत डेडिकेटेडली जिम जाता हूँ, बट उसके बाद मैं जाना भूल जाता हूँ. नहीं, मुझे याद बराबर रहता है पर मन नहीं होता, तो बहुत आलस आता है. एक्चुअली आलस की बात भी नहीं है, मतलब काम इतना ज़्यादा होता ना कि मैनेज नहीं हो पाता. बट अब इस हफ्ते, क्योंकि मैंने ब्लॉग में भी ये बोल दिया, तो आई एम गोना ट्राई कि मैं हर दिन नहीं बट एटलीस्ट 4 से 5 दिन हफ्ते में वर्कआउट करूँ डेडिकेटेडली, और ढंग का खाना खाऊँ. तो आज मैं घर से पीनट बटर सैंडविच लेकर आया था, क्योंकि मुझे पता था कि जिम के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है. एंड आई डिसाइडेड कि मैं बिल्कुल भी $1 तक खर्च नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने अपनी कॉफ़ी शॉप पे बैठ के पीनट बटर सैंडविच खाए. जहाँ तक ये कॉफ़ी की बात है, इसका मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है. पर मंथ शायद $8 है, जिसमें से भी पहले 3 महीने फ्री हैं, तो अनलिमिटेड कॉफ़ी, तो एक भी पैसा नहीं लगता. तो टेक्निकली स्पीकिंग आई डिडंट स्पेंड एनी मनी टुडे. गुड जॉब आबिर.
गाइस मेरी क्लासेस ओवर हो गई हैं, मैं घर के तरफ अब वॉक कर रहा हूँ। इन टोटल मुझे 20 मिनट लगते हैं, मतलब स्कूल से मेरे घर तक, जिसमें ट्रेन और वॉकिंग इंक्लूडेड है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मैं यूजुअली बुक पढ़ते पढ़ते आता हूँ, अपना टाइम पास करता हूँ। पहले मैं एक्चुअली मूवीज़ वगैरह देखा करता था, बट अब मैं थोड़ा सा समझदार हो गया। और बाकी मेरे को मज़ा करूँ, मतलब रीड करने में मज़ा आता है, तो इसलिए आई प्रेफर टू रीड समथिंग। मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नो, अभी बीच में ना मेरी आदत ऐसे हो गई थी कि मैं ऑलमोस्ट हर दिन टाको बेल खा रहा था, क्योंकि वो सस्ता होता है यहाँ पे और काफ़ी फुलफिलिंग होता है। एक बजने वाले, मेरे को नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, बट मेरे को थोड़ा सा काम करना है मेरा, क्योंकि अगर अभी नहीं करूँगा तो फिर कल के लिए पेंडिंग होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर टू हिट अ लाइक, लीव अ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई होप अगला व्लॉग जल्दी आए। ओके, आएगा, येस, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द मोटिवेशन, आएगा। मैं जल्दी से टाइम निकालूंगा और इस व्लॉग का एडिट करूंगा और अगला व्लॉग भी जल्दी डालूंगा। ओके, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू गाइस। To this place, you wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay.